अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामा टॉक। माय नेम इज़ डॉक्टर कमल जवाद, मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक न्यू बॉर्न बेबी स्किन रिलेटेड डिजीज़ेस, उनके इश्यूज़ और पेरेंट्स उसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उनका कैसे सॉल्यूशन ले सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। फॉर सपोज आपके पास एक नया बेबी आया, ठीक है, आपने ये जानना है कि उसकी स्किन टाइप कौन सी है, बहुत रेड तो नहीं है, दाने तो नहीं निकल रहे स्किन पे उसकी, ऐसा तो नहीं आप उसे बहुत ज़ोर से उठाते हैं और बेबी इरिटेट होता है, तंग होता है, उसकी स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, और ऐसा तो नहीं आप उसे बहुत ज़्यादा किसेस करते हैं तो किसेस करने की वजह से उसे प्रॉब्लम, बिकॉज ये हमारे सबका प्रॉब्लम है, हम छोटे बच्चे को देख के बस हमसे कंट्रोल नहीं होता और हम फौरन उसको प्यार करना शुरू कर देते हैं। अब आइदर हम उसके फेस पे प्यार करें, हम उसके लिप्स पे प्यार करें, मतलब हम बॉदर ही नहीं करते इस चीज़ को। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा वो किया हुआ प्यार उसके लिए बेनिफिशियल है या कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसानदायक साबित हो रहा है। ऑल्दो कि इंटेंशंस ऐसी नहीं होती, बट हम ऐसा कर जाते हैं। सो ऐसी चीज़ों के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए बच्चों को लेके, छोटे बच्चों को, ख़ासतौर पे न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए, कि उनको कोई भी ऐसा इशू ना सामने आए जो हम लोगों से रिलेटेड हो। सबसे पहले हम जिस स्किन इशू की बात करेंगे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ को हो सकता है, जो हमारे घर में आने वाले नन्हे मेहमान को सबसे पहली प्रॉब्लम हो सकती है, वो है एक्जिमा। एक्जिमा आम लोगों की ज़बान में अगर हम उसे देखेंगे तो वो बच्चे को ख़ारिश की बीमारी हो सकती है, बच्चे को ये स्किन सेंसिटिव हो सकती है, बच्चे की स्किन पर किसी भी किस्म की एलर्जी हो सकती है। आजकल का जो वेदर है, अगर हम उससे रिलेटेड बात करें, लेकिन अगर विंटर की बात करेंगे तो बच्चे जब भी पैदा होते हैं विंटर के सीज़न में, तो सबसे पहले उन्हें जो चीज़ फेस करनी होती है वो होती है ड्राइनेस। स्किन की ड्राइनेस हो जाती है, स्किन पर खुश्की होती है, वो खुश्की उनके सर से शुरू होकर और उनके पाँव तक ख़त्म हो जाती है। सर पे कैसे होगा, फॉर सपोज़ बच्चा दुनिया में आया है और उसके सर पे आपको कहीं ना कहीं खुश्की नज़र आए, उसके सर पर आपको बहुत ज़्यादा खुश्की के, जिसे हम उर्दू में कहेंगे, क्लिपर नज़र आए, ठीक है। अगर ऐसा होता है या फिर उसकी स्किन पे जगह जगह पैचेस नज़र आए आपको, रेड कलर के, रेडनेस होना शुरू हो जाए, लाइक हमने बेबी को होल्ड किया और होल्ड करते ही हमने देखा उसकी स्किन पे निशान बनने शुरू हो गए, इवन उसकी आईब्रोज़ पर, उसके कानों पर, उसके लिप्स पर, गर्दन की ये जो चीज़ें, तो क्योंकि जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है ना, तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि हम उसे जल्दी से बहुत सारे कपड़ों में लपेट दें, और अगर सर्दी है तो फिर तो जितनी सर्दी उनकी इमनानियों दादियों को लग रही होती है, उतनी ही वो कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को रैप कर दें। ये सबसे गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ अगर बच्चे को ड्राइनेस है, आप उसे ओवर रैपिंग करेंगे तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। आप उस माहौल को गर्म करें, रूम को गर्म करें, बट बच्चे को प्लीज़ अपनी जितनी लगती हुई सर्दियों के हिसाब से कपड़े ना पहनाएं, बच्चे को कम से कम कपड़े पहनाएं और उसके एटमॉस्फेयर को गर्म रखें, ठीक है। अगर गर्मी है फॉर सपोज़, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर गर्मी लग रही है तो आप बच्चे को एसी में लिटा दें और उसको खुला कर दें, उसे कपड़े पहनाएं नहीं, मतलब कोई एक बारीक सी चीज़ पहनाइए, ऐसा नहीं है। जो न्यू बॉर्न बेबी दुनिया में आता है उसके टेम्परेचर डिफरेंस में और हमारे टेम्परेचर डिफरेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो इन चीज़ों की हमें केयर करनी चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायपर रैशेस, जिसे हमारी लैंग्वेज में, मेडिकल की लैंग्वेज में कहा जाता है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, जो नैपी रैशेस हम आम जबान में कहते हैं। हम क्या करते हैं, जब न्यू बॉर्न बेबी दुनिया में आता है तो अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी सहूलत के लिए, आजकल ट्रेंड बन गया है कि बेबी जैसे ही दुनिया में आता है हम फौरन ही उसे पैम्पर लगा देते हैं। देखिए, फैसिलिटी के लिए, अपनी सहूलत के लिए पैम्पर लगाना इज़ नॉट बैड, आप लगा सकते हैं, लेकिन पैम्पर से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ न्यू बॉर्न बेबीज़ को फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज़ आपने अगर पैम्पर लगाया है तो आपने उसकी केयर करनी है। एक, आप अच्छी कंपनी का पैम्पर यूज़ करेंगी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कि पैम्पर लॉन्ग टर्म लगा रहे, कंपनी भी अच्छी नहीं है, उसमें केमिकल्स भी 10 तरह के लगे होते हैं, तो वो बेबी को सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है हमारे पास, फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है बच्चे को, जिसमें बच्चे की जो डायपर वाली जगह है वो रेड हो जाती है, वो बार बार जब भी वो यूरिनेशन या पॉटी उसे आती है फौरन ही वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है,
फिर उनको अम्माएँ लेके आती हैं बहुत लेट स्टेज में, पहले खुद ही घर में थोड़े टोटके करने की कोशिश करती हैं कि भाई हमने इन्हें तेल लगा दिया था, हमने ये कर दिया था, लेकिन वो असल जड़ तक नहीं पहुँच पाती। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीइंग अ डॉक्टर, हम क्या करते हैं, हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आपने पैम्पर्स नहीं लगाने। तो अगर आप इनिशियल से उसकी केयर करें, आप पैम्पर्स लगाएं एवरी टू आवरली, आप उसे चेंज करें, ठीक है, आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करें, तो वो फंगल इन्फेक्शन डेवलप ही नहीं होगा। और अगर उसमें आप केयर करेंगी इस चीज़ की कि एवरी टू आवरली चेंज कर रहे हैं, कंपनी अच्छी है, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, अगर बेबी गीला हो जाता है तो फौरन उसे चेंज करेंगे, तो आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी कि उसे डायपर रैशेज, नैपी रैशेज या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस डेवलप होगा। तो इसकी केयर माओ ने करनी है, यानी कि आपने और मैंने करनी है। हम इसकी केयर करेंगे तो हमारा बच्चा सफ़र नहीं करेगा। इसकी केयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बेबी की केयर करें। द नेक्स्ट कंडीशन इज़ मीलिया। अगर हम मेडिकल की लैंग्वेज में देखें तो हम उसे मीलिया कहेंगे। अगर हम मामाज़ की ज़बान में बात करें तो हम आके कंप्लेन करते हैं, मामाज़ अक्सर जाके कंप्लेन करती हैं कि नया जो बच्चा दुनिया में आया है उसके आने के लाइक सेकेंड थर्ड डे उसे क्या प्रॉब्लम होती है कि उसकी आँखों की सराउंडिंग में या उसकी गर्दन पर या बैक ऑफ दी नेक पर या फिर उसके चेस्ट पे या बैक ऑफ दी चेस्ट पर, बैक ऑफ दी हमारी जो बैक होती है उस पर छोटे छोटे सफ़ेद दाने निकल आते हैं। कभी तो ये होता है कि 2 से 3 दिन में वो दाने ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, चलते रहते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं और होना भी चाहिए डेफिनेटली। लेकिन क्या है कि उसका जो हल होता है वो ये होता है कि आप अगर उसे बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर रहे हैं तो उसे ऑयलिंग ना करें बहुत ज़्यादा। एक नॉर्मल वे पे अगर हम उसे ऑयलिंग में रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। लाइक मसाज करते हैं हमारे यहाँ तेल की बहुत ज़्यादा बच्चों को, छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे, वो नहीं करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप उसे नहला रहे हैं, सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहला रहे हैं, तो उसके फौरन बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र उसकी पूरी बॉडी पे हमें अप्लाई करना चाहिए। नंबर थर्ड ये होना चाहिए कि जब भी बच्चे को ऐसा फील हो कि ये 3 या 4 दिन से ज़्यादा दानों का प्रॉब्लम होने लगा है उसकी आँखों की सराउंडिंग में या बाकी किसी भी जगह पर, तो अब हमें अपने टोटके बंद कर देने चाहिए और हमें जाके डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। वो आपको बेहतर सॉल्यूशन बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर ये होता है कि अगर हम नीड करते हैं, लाइक ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत है कि बच्चे को अब कोई क्रीम देनी चाहिए, तो हम उसे माइल्ड स्टीरॉयड दे देते हैं, तो उससे ये होता है कि बच्चे की स्किन नीट होना शुरू हो जाती है। ऑल्दो कि इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम जिसको लेके हम वरिड हों, बट फिर भी केयरफुल होना पड़ता है, हमें इसकी केयर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट अगर 3 से 4 दिन से ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें उसके लिए केयरफुल होना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ स्केबीज़। मैं एज ए डर्माटोलॉजिस्ट बात करूँगी, बिकॉज स्केबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो ड्यूरिंग आपके हॉस्पिटल स्टे, यानी मामाज़ के ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, जब आप हॉस्पिटल गए डिलीवरी के लिए, वहाँ से आपको ट्रांसफ़र हो सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल के बेड से, हॉस्पिटल के बिस्तर से, हॉस्पिटल की रज़ाइयों से, इवन दो जितने भी कपड़े वहाँ यूज़ हुए हैं ऑपरेशन थिएटर से, वो मामाज़ को मुंतकिल होते हैं और मामाज़ से बेबीज़ को मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसे आजकल हम बहुत कॉमनली फेस कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि जब मामा को स्केबीज़ हुई तो शायद वो इतनी सीवियर ना हो, वो इचिंग है वो टॉलरेट कर लेती हैं, लेकिन जब वो न्यूबॉर्न बेबी को लगती है वो बीमारी, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए उसे टॉलरेट करना, क्योंकि उसकी पूरी स्किन पर दाने निकल आते हैं, पूरी पूरी रात वो बच्चा सो नहीं पाता, तो आखिर तंग आके 1 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद माओं को डॉक्टर के पास आना पड़ता है। तो उसके लिए आपको केयरफुल होने की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ जैसे ही आप हॉस्पिटल से वापस आती हैं, जब आपकी वहाँ से छुट्टी हो जाती है हॉस्पिटल से और आप अपने घर वापस आती हैं, तो सबसे पहले जितनी भी चीज़ें आपने हॉस्पिटल में यूज़ की हैं उन्हें आप अच्छे से गर्म पानी से वॉश करवाएं, उन्हें धूप लगवाएं, और उनको जिन चीज़ों को पॉसिबल है इस्त्री करवाएं, जिनको पॉसिबल नहीं है उन्हें काफ़ी टाइम धूप में रखें। इसी तरीके से बेबीज़ के लिए भी आपको यही केयर करनी चाहिए, क्योंकि आप मामा की लगी हुई बीमारी बेबीज़ को बहुत जल्दी मुंतकिल होती है, आइदर ड्यूरिंग उसके साथ सोने में हो, फीडिंग करते हुए हो, या डेफिनेटली देखिए छोटा बच्चा तो माँ का ही हिस्सा होता है, माँ के साथ ही रहेगा, हमारे साथ ही रहेगा, तो हमसे रिलेटेड हर बीमारी उसे लगेगी। और स्केबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत आराम से माँ से बच्चे को मुंतकिल हो जाती है। उसके लिए केयरफुल होने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने सफाई का ख्याल रखना है, और नंबर 2 बात ये कि अगर फिर भी ऐसा लगे आपको कि बच्चे की स्किन पे कॉन्टीन्यूसली इचिंग आपको फील होने लगे कि आपको भी इचिंग है, उसे भी इचिंग हो रही है,
तो आपको फौरी तौर पे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, तो वो प्रॉपरली बच्चे के हिसाब से उन्हें मेडिकेशंस देंगी, उन्हें ट्रीट करेंगी। अदरवाइज़ ये बीमारी आपसे बच्चे को और आपसे घर के बाकी लोगों को भी मुंतकिल हो सकती है। सो बी केयरफुल ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे और सफाई का ख्याल रखिए, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंगल इन्फेक्शन ऑफ बेबीज़। हमारे मेडिकल की लैंग्वेज में उसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, सिबोरिया कहते हैं, सिबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं, लेकिन अगर हम मामास की ज़बान में बात करेंगे तो बच्चे को सिकरी हो जाती है, बच्चे को खुश्की हो जाती है। जो बच्चे नए दुनिया में आते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी होता है कि अगर उनकी मामास से उन्हें ये प्रॉब्लम ऑलरेडी ट्रांसफ़र हुआ है कि माँ को खुश्की थी, माँ के सर में खुश्की वाले वो क्लिपर से बनते होते थे, सिकरी थी, तो बच्चे के अंदर ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का जो सर है वो आप देखेंगे वो येलो कलर के उसमें राउंड से बने होते हैं, येलो कलर के क्लिपर बने हुए होते हैं, तो हमें उसके लिए डेफिनेटली कॉन्शियस होना चाहिए। ठीक है, उसमें हमें वो ना सिर्फ सर में नज़र आएंगे, उसकी आईब्रोज में नज़र आएंगे, उसकी कानों की सराउंडिंग में नज़र आएंगे, उसकी गर्दन के दरमियान जो लाइंस हैं वहाँ नज़र आएंगे, और उसकी जिस्म के बाकी हिस्सों पर भी नज़र आ सकते हैं, और वो वर्स भी हो सकते हैं। समटाइम होता है कि वो ये जो घरेलू टोटके होते हैं तेल वेल लगाने से और इस तरह करने से, बेबी शैम्पू से चले भी जाते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। समटाइम वो इतने वर्स हो जाते हैं कि छोटा सा बच्चा उन चीज़ों को लेके सफ़र करता है। तो अब मामाज ने क्या करना होता है, उसके लिए केयर करनी होती है बच्चों की, कि बच्चों को अगर पॉसिबल है तो डेली शावर दिलवाएं, और यही बेस्ट है। डेली शावर दिलवाना होता है उनके लिए, कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन, मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करनी होती है, और एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना होता है, जिससे अगर वो वर्स कंडीशन हो रही है तो उसे हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं ताकि वो उसका जो सिबोरिया है, जो उसकी सिकरी है, जो उसका डैंड्रफ है, वो आगे ना प्रोसीड हो जाए। बिकॉज अगर वो आगे बढ़ जाएगा तो उससे उसके सर के बाल ग्रो करने में प्रॉब्लम करेंगे, उसकी आईब्रोज के बाल झड़ सकते हैं, उसके सर के बाल वीक हो सकते हैं, उसकी बॉडी पे जगह जगह फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हम ददरी भी कहते हैं, जिसे हम फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसे हम रिंग वॉर्म भी कहते हैं, और भी इसके डिफरेंट बहुत सारे नाम हैं बहुत सारी ज़बानों में। सो बी केयरफुल मामाज, अगर आपको ऐसे कोई भी किसी भी किस्म का अलर्ट मिलता है छोटे बच्चे में, तो 1 वीक तक तो ठीक है, आप उसे टॉलरेट कर सकते हैं, बट आफ्टर 1 वीक यू शुड लाइक कंसल्ट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट, विद योर डॉक्टर फॉर योर न्यूबॉर्न बेबी। सो मामाज, ये कुछ फ्यू कंडीशंस थी स्किन से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई, जिन्हें हमने डिस्कस किया, और ये भी बताया कि आप लोगों को अपने नए बोर्न जो आने, जो नया बच्चा आपके पास है, उसके लिए किन चीज़ों के लिए केयरफुल होना चाहिए, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डेफिनेटली आप एक स्टेज तक ही घर में उसे रख के ट्रीट कर सकते हैं, बट मैं फिर भी इसे आपको फोकस करूँगी कि आप लोगों को उन कंडीशंस के लिए डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर ज़्यादा बेहतर जानता है कि जिसे आप ट्रीट कर रही हैं वो क्या समझ के कर रही हैं और एक्चुअली उस बच्चे को क्या बीमारी है। सो यू शुड कंसल्ट विद योर डॉक्टर, यू शुड गो फॉर योर बेबी कि उसे क्या प्रॉब्लम है और उसे किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। सो मामाज, एक छोटे बच्चे के साथ आपके लिए, मेरे लिए और किसी भी वर्किंग लेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो शॉपिंग करे, बाहर जाए बच्चे के साथ या बच्चे को छोड़ के, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो babyplanet.pk इनके पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि इनके पास छोटे बच्चों से रिलेटेड स्किन केयर सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि 15 डेज़ की मनी बैक गारंटी भी मौजूद है, रिटर्न एंड एक्सचेंज दोनों की। सो आप इस फिजिबिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो लॉग ऑन टू babyplanet.pk बिकॉज़ हैप्पीनेस डिलीवर्ड एवरी टाइम।